इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टराइज गुणनखंड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन है। हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, ऐसा नंबर खोजना है जिसका गुणा करने से नाइन हो ना हो और जोड़ने से सिक्स हो। गुणा करने से नाइन और जोड़ने से सिक्स, तो कौन सा नंबर होगा? थ्री एंड थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन और थ्री प्लस थ्री सिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस सिक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे? थ्री प्लस थ्री ए प्लस नाइन। गुणा करने, ये दोनों गुणा करने से कितना आ गया? नाइन। और जोड़ने से कितना आ गया? छः। जोड़ना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो घटाना है, यहाँ पे प्लस होगा तो जोड़ना है। ए स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए थ्री ए माइनस प्लस माइनस थ्री इंटू ए थ्री ए प्लस नाइन। उसके बाद क्या करना है? पहले दो नंबर से हमें कॉमन लेना है। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो कॉमन ए आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? ए माइनस थ्री। ये जो ए है वो कॉमन आ चुका, तो बचा थ्री, थ्री लिखना है। उसके बाद अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लिखना है। थ्री और नाइन, थ्री और नाइन में कॉमन क्या आएगा? यहाँ ये दोनों का मौसा क्या होता है, एस सी एफ क्या होता है? थ्री होता है, तो थ्री कॉमन आ गया। बचा यहाँ पर क्या? ए। जब माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस के जगह पर हमें माइनस देना है, साइन चेंज करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद तीन को कौन से नंबर से गुणा करेंगे? तो नौ हो गया, तीन थी नौ। एक बात समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो a माइनस थ्री है वो यहाँ पर भी आएगा। अगर ये दोनों सेम है तो जो आपने कर रहे हैं वो करेक्ट है, अगर सेम नहीं आया मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे a माइनस थ्री, a माइनस थ्री, फिर से हमें कॉमन लेना है a माइनस थ्री। बचेगा क्या? यहाँ पर a है और यहाँ पे माइनस थ्री, तो a माइनस थ्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ a माइनस थ्री है, तो आप इसे a माइनस थ्री होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ए पावर फोर माइनस बी पावर फोर। यहाँ पे कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी पावर फोर है तो बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी हमें ए के जगह पे ए स्क्वायर है, बी के जगह पे बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि ए के जगह पे ए स्क्वायर था इसलिए हमें ए स्क्वायर ही लिखना है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सेम टू सेम ही लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला यूज़ करना है हमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमें भी यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखना पड़ेगा। तो इसका ए पावर फोर माइनस बी पावर फोर का आंसर हो गया ये। अगर वीडियो समझ में आया हो, अगर पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा, आप कुछ सीख गए, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बगल में एक घंटा होगा, प्लीज़ उसको भी दबा देना, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और प्लीज़ शेयर विद अ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।